नमस्कार, अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. आई एम स्मृति रस्तोगी एंड आई एम संजीव कुमार. वेलकम टू योर लव्ड शो बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर. हर हफ्ते आप लोग हमारे को रिक्वेस्ट भेजते हैं अलग अलग तरीके से कि कौन से एस्पेक्ट्स को हम पिकअप करें, किस बारे में डिस्कशंस करें. और इसी तरीके से जैसे हमने आपको अश्योर किया था कि इस बार हम फर्स्ट एड कि घर पे या अदरवाइज फर्स्ट एड, बच्चे को कुछ हो जाता है, हमारे पेट्स को कुछ हो जाता है, तो उसके लिए क्या चीज हम कर सकते हैं स्मृति? बिल्कुल. सो इस बारे में वी आर गोइंग टू बी हैविंग अ लवली डिस्कशन टुडे. एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमेशा की तरह संजीव हमारे पास की फर्स्ट एड. मुझे लगता है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे शो के जरिए कि जिस पर हम पेट से रिलेटेड हर चीज़ पर हम फोकस करने की कोशिश करते हैं, हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं. पेट्स को हर कोई घर लाना चाहता है, लेकिन जिस तरह हम अपने अपने परिवार की, अपने बच्चों की केयर करते हैं, चोट लग जाती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इमरजेंसी सिचुएशन अचानक से खड़ी हो गई, तो फर्स्ट एड में किट में हमारे पास क्या कुछ होना चाहिए और फर्स्ट एड घर में होना क्यों ज़रूरी है, इन सब चीज़ों पर आज हम यहाँ बात करेंगे, शो पे चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे. और हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं. आइए आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं. सबसे पहले डॉक्टर नरेंद्र गांधी, वेटनरी एक्सपर्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत है. और हमारे साथ सविता रघुवंशी, शी इज एन एनिमल एक्टिविस्ट एंड अ ग्रूमर, एनिमल ग्रूमर एज वेल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच. हमारे व्यूअर्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि ये दोनों खास मेहमान एक्सपर्ट्स हमारे साथ आज स्टूडियो में, आपके पेट्स रिलेटेड जो भी सवाल, जो भी क्वेश्चंस हो, आप हमें कॉल करिए. हमारा लाइव फोन इन शो है. अपने सवाल हमसे पूछिए, हमारे एक्सपर्ट से पूछिए. खुद हमारे साथ एक पेट एक्सपर्ट हैं, संजीव खुद एक पेट एक्सपर्ट हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 01123097532. ये हमारा फोन नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं. एक बार फिर मैं रिपीट करूंगी, 01123097532. इस नंबर पे आप कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जो भी कोई सवाल आपके पेट्स रिलेटेड होंगे आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं. डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करना चाहूंगी कि फर्स्ट एड क्यों जरूरी होता है, इसकी जानकारी होनी क्यों जरूरी है अपने हमारे पेट्स. इट्स अ वेरी गुड टॉपिक जो आपने आज चुना है, इसलिए क्योंकि बहुत सारी समस्याएं या प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं पेट्स की जिनको हम घर पे हैंडल कर सकते हैं. जब भी आप अपना पेट लें, स्पेशली इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम पेट ओनर, प्लीज स्पीक टू योर वेट एज टू व्हाट काइंड ऑफ लिटिल मेडिकेशंस दैट यू मस्ट ऑलवेज हैव इन द हाउस, सम कॉन्ट्रैप्शंस दैट मे बी यूजफुल एट सम सिचुएशंस और इन सम सिचुएशंस. You must always have that list with you. And you know, the if you want to go ahead with the list, I'll start with a little gauze piece, for example. Right. A little bandage, for example. An antiseptic cream, which is non-toxic. An antiseptic lotion, which is non-toxic. An anti-vomit medicine. Scissor. You know, these little things. Thermometer, the most important thing. Because most of the time, if the owner thinks that the pet is into some problem, if we ask them, is there any fever? Now, the difference between human temperature and the animal temperature is about 3 degrees. So, always the animal is warmer. And when your mind is not focused, you'll always say, haan, doctor sahab, garam lag raha hai. But that's not the situation always. You know, you always tell them to teach and take temperature. And once you have the temperature reading, the number is very important. But what I will definitely want to add is ki aap kabhi bhi, doctor sahab ne bahut khubsurti se samjhaya, lekin jab bhi aap ye sari cheeze ikhtha karna चाह रहे हैं, प्लीज अपने वेट के कंसल्टेशन में, उनके गाइडेंस में आप ये चीजें लें. क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो जो आप जनरली सोचे कि हाँ हमारे लिए अच्छा है तो उनके लिए भी अच्छा है. ज्यादातर चीजें होती हैं, लेकिन आपने डॉक्टर, आपने वेट से कंसल्ट करिए. एंड भोपाल से हमारे साथ स्मृति एक कॉलर जुड़ रहे हैं. जी बताइए, आपका सवाल पूछिए प्लीज. जी, मेरा सवाल ये था, मेरे पास एक कैट है. जी, वो हमेशा जो है मायूस थी, थोड़ी सी रहती है. क्या उम्र है कैट की? कैट अप्रोक्स 2 इयर्स की होगी. 2 इयर्स की, और इंडियन कैट है. जी डॉक्टर साहब, एक जेनरिक सवाल है. दिस इज अ वेरी वेरी यू नो स्मॉल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज देयर. राइट. इसमें पहली चीज, आपकी कैट मेल है या फीमेल? अगर मेल है, फीमेल है, ऑपरेटेड है कि नहीं ऑपरेटेड है, उसका आइडियल वेट है या वो फैट है.
A fat animal is always a slow animal. Right. A neutered animal, until you've cut back on the food, right, you know, by a certain percentage post-surgery, will always put on weight. Right. And that'll make them slow. Also, environment plays a major role. Right. Activity in the house plays a major role. Right. So, agar ye sare sawal saath mein aayenge, 2 saal mein koi aisi major bimari hum anticipate nahi karte agar pet generally vaccinated hai. Bilkul, toh, bilkul. Agar vaccinated nahi hai, then kya of course there are questions. Kya licking and furball element se kya pain element, ye ek general cause ho sakta hai? Ho sakta hai, but usme the body language will change. Okay. You know, the pet will take prayer position because of the pain, will not try to rub its tummy somewhere, sit on cold places. Right, right. Try and lick the tummy area. These are the things. Having difficulty in bowel movement. These things will be observed. Right. So, sust to har bimari mein aadmi hota. Bilkul. So, I guess doctor saab ne aapko jaise explain kiya. Please take note of it. And aap analyze kariye khud. Aur is baare mein aap fir apne local vet se bhi consultation. They can come back. He can call back and give us the answers to the questions that we have asked. We are definitely going to help him. Perfect. Perfect. This is a perfect platform. Mujhe lagta hai direct interaction bhi aap kar sakte hain hamare experts ke saath. पर्सनल लेवल पे आप जा करके दिखा भी सकते हैं अपने पेट को. सविता, अगला सवाल आपसे करूंगी कि कब ये समझना चाहिए, क्योंकि अमूमन क्या होता है, घर पे कुछ हो गया, फर्स्ट एड हमारे पास है, बट कब वो थिन लाइन जब क्रॉस होती है समझना चाहिए कि अब एक इमरजेंसी सिचुएशन खड़ी हो गई, अब हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा पेट को लेकर. आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपके पेट की बॉडी लैंग्वेज देख के यू अंडरस्टैंड दैट द मोमेंट यू फील दैट द पेट इज रेस्टलेस और समथिंग इज नॉट राइट विद द पेट. That is when I think आपको रुकना नहीं चाहिए, आपको सीधा पेट के पास लेके चले जाना चाहिए. अच्छा, हमें डॉक्टर साहब पेट अपने पेट के बारे में जो नॉलेज है वो कितनी अहम है कि हमारा पेट कब खा रहा है, नहीं खा रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, सुस्त है, वो होनी कितनी जरूरी है. बिल्कुल, दैट इज द प्राइम थिंग. आपको अपने पेट के ब्रीड के प्रीडिस्पोजिशंस पता होने चाहिए, बिकॉज अगर मैं किसी को एक फर्स्ट एड किट एडवाइस करूंगा तो इट ऑल्सो इंक्लूड द ब्रीड कि उस ब्रीड की क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. जी. Or because you have a first aid, you should all, I'll extend the answer that Savita was saying. Any symptom that continues to persist despite first aid is an emergency or at least needs medical attention, if not an emergency. So this has to be always kept in mind that when should I take my pet to the doctor and when it can wait. Perfect. This is an important line that you must draw. Iske saath humare saath ek aur Smriti caller jud rahe hain. Basti se humare saath call aayi hui hai. And, आपका सवाल पूछिए प्लीज. हाँ सर, ये एक बच्चा है, उसको खांसी आ रही है. बच्चा मतलब डॉग का बच्चा है, क्या उम्र होगा? 12 साल. नहीं, ये 12 साल का पेट है आपका? जी जी. तो अच्छा, बच्चा मतलब आप घर में देखिए, हम स्मृति बहुत एक नॉर्मल सी बात है कि हम बच्चा ही बोलते हैं, चाहे वो जितने भी एज के पेट्स हमारे हो जाएं तो हमारे लिए बच्चे ही रहते हैं. तो 12 साल का पेट है, खांसी आ रही है, हम ब्रीड नहीं पूछ पाए. डॉक्टर साहब एक जनरल आप कुछ क्या गाइडेंस दे सकते हैं? 12 साल का अगर एक पेट है और उसको खांसी आ रही है तो फर्स्ट सस्पिशन इज कार्डियक इन्वॉल्वमेंट. ओके. 12 साल में कहीं ना कहीं दिल की कोई ना कोई तकलीफ मैनिफेस्ट हो चुकी होती है. So that is the first thing that you will look into. Most people will confuse cough with a respiratory infection. Right. Which to some extent is correct, but not always. Right. You'll have to, as I say, whenever you take history, Sanjeev, aapko pura part aapko pata hona chahiye, age, gender, breed, weight. Bilkul. You know, things like that, past history of illnesses. These things always help us to answer questions better in the sense or solve problems better. Perfect. जैसे इनसे मेरा सवाल होना था कि अगर वो क्या एक्सरसाइज करते हुए थक जाता है या वो एक्सरसाइज के लिए रिलक्टेंट है या वो उठते ही खांसी करता है. So this is certainly a cardiac problem. But आप सही points आप mention कर रहे हैं, so that you know these obviously they will be able to analyze. Savita, you adopted a pet. उससे पहले मैं एक हमारी टीम ने एक बहुत खूबसूरत से कुछ विजुअल्स, कुछ इमेजेस इकट्ठा किए हैं, बहुत ही adorable pictures हैं. एक बेबी की पिक्चर है और उसके उनके पेट के साथ उनकी पिक्चर है और पेट इतना प्यार करते हैं उस बेबी से, 6 महीने के बेबी हैं वो और इतना प्यार करते हैं कि अपना खाना वो पेट उस बेबी को दे देते हैं. पेरेंटल इंस्टिंक्ट, डेफिनेटली. आइए देखते हैं ये पिक्चर्स. हमारे को बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, जैसा स्मृति बता रही थी कि हर बार इस पेट को, क्योंकि इस एक फादरली मदरली इंस्टिंक्ट, पेरेंट इंस्टिंक्ट जो है वो अपने खाने में से एक शेयर ले जाके बच्चे को, जैसे आपने देखा फोटो में कि एक रोटी रखी का टुकड़ा रखे आया था,
उसके पास में. सो दैट्स हाउ लविंग दैट पेट इज. इन फैक्ट वी ऑलवेज से दैट इफ यू आर सिलेक्टिंग अ जेंडर, यू नो, इंडिया फॉर सम रीजन इज अ वेरी मेल ऑब्सेस्ड कंट्री, राइट? बट फीमेल पेट्स ऑलवेज मेक बेटर पेट्स. डेफिनेटली आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग दैट. आई हैव अ मेल पेट बाय डिफॉल्ट, यू नो, आई हैव ऑलवेज हैड फीमेल पेट्स. राइट. नो ऑब्वियसली सो फीमेल्स आर डेफिनेटली मोर लविंग, मोर अटैच्ड, मोर कंपैशनेट, एंड कई सारी ऐसी चीजें हैं जो एडवांटेजेस ही रहते हैं फीमेल डॉग्स के साथ में, फीमेल पेट्स के साथ में. सो प्लीज अडॉप्ट फीमेल पेट्स. सो यू've adopted a pet. Yes. And that's what I was asking you at the point of time. Mm-hmm. आपके पेट के साथ कितने, क्या जर्नी रही है आपकी? You're a groomer. And how good or bad is it to adopt? It's definitely a good feeling. See, I've got two dogs. They always make me happy. But when I adopted my pet, तो एक वो एक satisfaction थी. That peaceful feeling was there. Right. You know, I'm saving a life. Any problems you had in the adoption process? Not much, but yes, because I got her from the streets, so obviously, you know, it takes a lot of time for the pet to. And first aid related, kya issues aapne face kare itne samay mein kuch? Obviously, jo aap darshakon ke saath share karna chahenge. Yeah. So when I got her, to wo mushkil se 20 din ki thi, obviously, and she had a lot of stomach issues. So vet se consult karke hum jitni bhi koshish karte the, you know, from medicines to whatever that we can give it to her, but there was cases jahan pe hum usko hum bilkul bhi ghar pe nahi treat kar pate the, then we had to rush it to the doctor. Right, no, obviously, then that's right. The right that's thing exactly to do. That's exactly what I said. If, exactly. You, if you have something that's going on for exactly. some time, mm-hmm. you should always, we should always never, take you know, avoid right. the situation. Avoid. Exactly. Hamare paas ek aur call hai, Basti se hi hai, UP se aaj bahut sare log hamare saath connect ho rahe hain. Ji bataiye, aapka kya sawal hai? Hamara 14 saal ka ek German Shepherd hai, uske kaan se pani aata hai. Ji. मुझे लगता है डॉक्टर साहब ये जो इशू है इसके बारे में आप क्लियर कट केस ऑफ ईयर इन्फेक्शन. आइडियली ही शुड टेक द डॉग टू द वेट. अ कल्चर ऑफ द डिस्चार्ज विल ऑलवेज बी हेल्पफुल इन सिलेक्टिंग द राइट एंटीबायोटिक. द अदर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन हियर इज मोस्ट पीपल स्टिल लिव अंडर द नोशन ऑफ एंटीबायोटिक इज फॉर 5 days. एब्सोल्युटली नॉट. द एंटीबायोटिक थेरेपी शुड बी गिवन फॉर एटलीस्ट 2 days बियॉन्ड रेमिशन. And in chronic cases, up to 2 weeks beyond remission, especially in UTIs and things like that. मुझे लगता है ये human वाला जो factor है, humans को भी इसी तरीके से treat किया जाता है. Yeah, which is very very incorrect because you end up building resistance to antibiotic. And if the pet is only 4 years of age, this is about the time where you should always insist on correct dosages for correct duration. Right. So that tomorrow, if you have to select something else, there is no resistance within the body towards the drug. Right. तो इस चीज के ऊपर जरा ध्यान देना जरूरी समझ. बिल्कुल. हम हमेशा हर एस्पेक्ट्स, हर तरीके के पेट्स के बारे में बात करते रहते हैं एंड एनिमल्स के बारे में बात करते हैं. तो इसी के साथ में एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग पैकेज है जो हमारी टीम ने बहुत क्रिएटिविटी के साथ बनाया है माइग्रेटरी बर्ड्स पर. बिल्कुल, आइए देखते हैं ये माइग्रेटरी बर्ड्स कितनी खूबसूरत हैं और ये पैकेज कितना खूबसूरत है हमारा. जब अपने देश में मौसम के बिगड़ते हैं हालात तो सात समंदर पार कई पंछियों का पसंदीदा स्थान बनता है विविधताओं का देश भारत. गर्मी हो या ठंड, भारत प्रवासी पंछियों की मेजबानी में हमेशा रहता है आगे, चाहे वो भोजन हो या आवास की जरूरत. यमुना बैस्ती पार्क को जब गौर से देखेंगे तो एक एक ऐसी ये संरचना कायम हुई है इस सरजमी पे जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ही नहीं बल्कि अर्बन सेंटर को रिजिलियंस देता है. माइग्रेटरी बर्ड्स लगभग 30-35 प्रजाति के माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और ओवरऑल रेसिडेंट और माइग्रेटरी बर्ड्स को मिला दें तो यमुना बैस्ती पार्क में लगभग 200 प्रजाति के पक्षी. दुनिया भर से खूबसूरत परिंदों की सैकड़ों प्रजातियां माइग्रेट कर भारत आती हैं। इनमें से कई दिल्ली के वजीराबाद के बायोडायवर्सिटी पार्क में ठंड शुरू होने पर आते हैं और मार्च में वापस लौट जाते हैं. ये 457 एकड़ में फैली जगह है जो एक बंजर जमीन थी, इसमें नमक बहुत ज्यादा था और तो इसको इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के तहत वैज्ञानिक तरीके से इसको विकसित किया गया. ये वेटलैंड 2004 में हमने रिस्टोर किया और अभी सुदूर देश
यूरोप, साइबेरिया और चाइना से बहुत सारे पक्षी यहाँ आते हैं। ये ग्रेट कॉर्मोरेंट और इस तरह के लगभग 30-35 स्पीसीज जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं एक वेटलैंड के, वो यहाँ पे हर साल आते हैं और वो उनका अकामत गाह बना रहता है 4 महीने के लिए। उनकी शुरुआत कोई अक्टूबर में होती है और वो मार्च तक रहते हैं। ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है कि हजारों किलोमीटर की दूरी ये आसानी से झुंड में उड़कर पार कर लेते हैं। ये प्रवासी पंछी तारों, सूरज, हवा के बहने के तरीके और जमीन के प्राकृतिक बनाव से रास्ते को पहचानते हैं, जो उनके नेविगेशन में मददगार होता है। किसी भी एनिमल को दो चीजें चाहिए, लाइफ प्रोटेक्शन एंड फूड प्रोटेक्शन। अंदर पौधे हैं, ऊपर इनके रूस्टिंग साइड है, इसमें मछलियां हैं, तो पौधे जितने माइग्रेटरी डक्स हैं वो प्लांटीवोर्स हैं, वो पौधे खाते हैं, और जो पेड़ पे ये काले बर्ड्स नज़र आ रहे हैं ग्रेट कॉर्मोरेंट, वो पीसीवोर हैं, मछलियां खाते हैं। तो दोनों चीज़ में पर्याप्त मात्रा में है, तो यहाँ आते हैं, 3 महीने रहते हैं और फिर जब वहाँ वातावरण अनुकूल हो जाता है तो वापस अपने घर चले जाते हैं और वहीं ब्रीड करते हैं। अगर आप अभी पक्षियों को देखेंगे, इनके फेदर शाइनिंग है, चमक रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि इन्होंने अपने नए फेदर उगा लिए हैं, क्योंकि इनको अपने घर वापस जाना है। नॉर्दर्न शॉबलर है, बहुत सुंदर बर्ड है, वो स्पिचुलेट बीक है, ग्रीन हेड है, पिनटेल अभी नजर आ रहा है, उसके टेल पिन की तरह है, एक फेरुजिनस पोचार्ड है, सफ़ेद आइज है, डार्क टेन बॉडी है, जो नियर थ्रेटन स्पीसीज है। हर रोज मॉनिटरिंग करते हैं कि कौन सा पक्षी यहाँ है, कौन सा चला गया है, क्या कल वापस आ रहा है, तो इस तरह हर दिन के रिकॉर्ड हमारे पास होते हैं। कुछ समय बिताने के बाद ये प्रवासी मेहमान लौट जाते हैं अपने घर और छोड़ जाते हैं पर्यटकों के जहन में सुनहरी यादें। अगर पर्यावास को हम सुधार के सही रास्ते पर रखेंगे तो शायद हम पक्षियों का घरौंदा लंबे वक्त तक रख सकते हैं। सो जैसा आपने देखा कि कितना खूबसूरत एक ये बर्ड्स के ऊपर पैकेज था, एंड माइग्रेटरी बर्ड्स हर साल आते हैं, तो जो भी बर्ड वॉचर्स हैं वो ऐसे एरियाज सिलेक्ट कर सकते हैं और जाके उनको वहाँ वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं और उनकी खूबसूरती निहार सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात, जैसे हमने इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन की बात करी थी, देयर इज समथिंग व्हिच यू वांटेड टू ऐड। यस, आई वांटेड टू से दैट नेवर अटेम्प्ट टू क्लीन एन इन्फेक्टेड ईयर योरसेल्फ, because it's very tender, it's very painful, and German Shepherd is one such breed that will not allow us to happen easily. Right. So always take him to the vet, because he has that paraphernalia where he can put them down and clean it properly. Otherwise, you are not going to have a good relationship with your pet. छोटी मोटी चीजें आप जो हैं वो आप ध्यान रखें, घर पे कर सकते हैं, लेकिन जहां पर भी आपको खुद फील होता है कि ये चीज हमारे को definitely vet को दिखानी है, definitely 200% आप vet से ही consultation करिए। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि समझने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके पास पेट हैं तो ये फैक्टर्स, ये पहलू भी समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और कब वेट के पास जाना चाहिए। हमारे पास एक और कॉलर हैं जो मेरठ से जुड़ रहे हैं, उनका नाम है धर्मवीर। बताइए अपना सवाल। मेरे पास एक बीगल डॉग है जिसकी 1-2 साल से ज्यादा है और उसका वेट करीब 25 kg है, तो क्या ये इसका नॉर्मल वेट है? उसका देखने में बहुत बंकी दिखाई देता है। मुझे लगता है डॉक्टर साहब बेहतर ये सवाल का जवाब दे पाएंगे। सर, ये सही वेट नहीं है, उसका डबल वेट है। आपको उसको आधा करना पड़ेगा। बीगल थोड़े वैसे भी खाना पसंद ब्रीड होती है, और जितना इसको खाना आप थोड़ा कम करें अपने वेट से बात करके, थोड़ा इसको एंगेज रखिए एक्सरसाइजेज में, इस तरह के कुछ टॉयज आते हैं जिसमें उनकी एनर्जी स्पेंड होती है। बिल्कुल, क्योंकि मोटापा अपने आप में और बीमारियां लेके आएगा। जी जी, तो इसलिए इस चीज का प्लीज ध्यान रखें। दिस इज नॉट ओबीस, दिस इज मॉर्बिडली ओबीस। एग्जैक्टली। सो दे शुड, डॉक्टर साहब आप एक खाने के ऊपर गाइडेंस दे सकेंगे उनको कि किस तरीके का खाना उनको अडॉप्ट करना चाहिए या कितने टाइम देना चाहिए? हो सकता है फीडिंग एंड देन मे बी एनीथिंग टू डू ऑन द चेकअप साइड कि उनको क्या थायराइड के लिए चेक कराना चाहिए। Absolutely. और मैं ऐड करूंगी डॉक्टर साहब, क्या होता है ना कि अमूमन घर पे एक आदत होती है कि हम खा रहे हैं, पेट है तो अपनी प्लेट से निकाल करके हमने दे दिया, वो भी एक कारण होता है। टेबल स्क्रैप इज द बिगेस्ट यू नो फैक्टर फॉर वेट गेन। एब्सोल्युटली, प्लीज डोंट इंडल्ज इन दैट।
बड़ी छोटी सी चार पांच बातें बताना चाहूंगा. ब्रेकफास्ट सबसे बड़ा, लंच उससे छोटा, डिनर सबसे छोटा. आइडियली 70% इन द मॉर्निंग एंड जस्ट 30% इन द इवनिंग. वेट के आजकल इंफॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है. बिल्कुल. इंटरनेट पे जाके आप देख सकते हैं कि आइडियल वेट क्या है. टारगेट टू बी 10% लोअर देन द मेंशन्ड वेट, सो दैट यू हैव अ बिट ऑफ अ कुशन. In winters, you can still say, you know, because the dog's not exercising, like we are also not exercising, you are eating very rich food, so is the dog. You tend to keep warm, you want to eat more food, things like that. But otherwise, weight is a very big problem in India. Right. मुझे लगता है ये पेट्स के साथ ही नहीं, ये इंसान के साथ भी ये बहुत बड़ा एक इशू है. तो अपना भी ख्याल रखिए, अपने वेट का और पेट के वेट का भी ख्याल रखिए. फिलहाल एक और बहुत इंटरेस्टिंग पैकेज है मिथ बस्टर. मिथ तमाम होते हैं हमारे पेट्स को लेकर, खासकर जो ब्लैक कैट्स हैं उनको लेकर एक बहुत बड़ा मिथ है कि अशुभ मानी जाती हैं, दे आर नॉट कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. नहीं, ये सब मिथ हैं. देखिए, समझने की कोशिश करें हमारे पैकेज में. ब्लैक कैट्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद बैड लक. काली बिल्लियों को लेकर ये मिथ सदियों पुराने हैं जो आज तक चले जा रहे हैं. आपने शायद सुना होगा कि अगर काली बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो ये अशुभ होता है. नो, द कैट्स ऑल्सो हैव समवेयर टू गो टू. द ओनली वे इट कैन बी बैड फॉर यू इज इफ यू सडनली चेंज डायरेक्शन टू अवॉइड द कैट एंड वॉक इन टू अ ब्रिक वॉल. काली बिल्लियों को लेकर डार्क बिलीफ्स सिर्फ सुपरस्टिशंस हैं. पुराने जमाने में कुछ लोग ये मानते थे कि विचेस ब्लैक कैट्स का अवतार लेती है, जबकि कुछ लोग काली बिल्लियों को डेथ का साइन मानते थे. लेकिन इन बिलीव्स के ऑपोजिट ऐसे काफी देश हैं जहां ब्लैक कैट्स को गुड लक भी मानते हैं. ब्लैक कैट्स आर सीन एज गुड लक चार्म्स इन द यूके. इन यूरोप सेलर्स अपने साथ काली बिल्ली रखना शुभ मानते हैं फॉर सेफ जर्नी. इन स्कॉटलैंड ब्लैक कैट्स को प्रॉस्पेरिटी से जोड़ा जाता है. ब्लैक कैट्स आर जस्ट कैट्स विद ब्लैक फर. ट्रुथ इज ब्लैक और व्हाइट अ कैट हैज नो बेयरिंग ऑन लक. So next time, don't judge a cat by its color. तो जैसा कि आपने देखा हमारे मिथबस्टर में, हर तरीके का कलर, हर तरीके का जानवर, चाहे वो कैट हो चाहे वो कौआ हो, जानवर हैं, उनको प्यार करिए, रिस्पेक्ट करिए और अपना जितना प्यार आप दे सकते हैं उनको डेफिनेटली दीजिए. इसी के साथ हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, श्याम सुंदर जी फ्रॉम फरीदाबाद. श्याम जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, नमस्ते. नमस्कार जी, आपका सवाल प्लीज. मेरा एक जर्मन शेपर्ड है, 1 साल का जी. उसकी हाइट 23 इंच है और कब तक बढ़ेगी उसकी हाइट, ये जानना था मुझे. एज बताया उन्होंने? वन ईयर. 1 साल. अच्छा. So there are three patterns of growth. So there is no target time, as you would say, that you know adolescence can hit us at different ages. Right. So can puberty. Likewise, the growth period in large dogs vary from 12 months to 18 months to even up to 2 years. Exactly. So it really depends on the lineage from which the puppy is from. But 23 inches is a considerably decent age height. But it could grow more. It could grow more. Yes, well. There are okay. Shepherds who are like 29 inches. Right. So it really depends on also the exercise bit, the food, and most importantly, the genetic makeup. Exactly. Yeah. Would you want to add some calcium and vitamin or something, supplements? Not necessarily. If you're giving balanced food, I would not want to unnecessarily add in vitamins for nothing, you know. Okay. This is again a new fashion, you know. Right. You just give them balanced food, that's good enough. And today there's a whole lot of choice available if you want to go in for commercial food. And a home-cooked food can also be made into a very, very balanced diet. There's absolutely no perfect. Savita, I want to ask you, many times what happens, because you're yourself an animal groomer, animal activist. पेट ग्रूमर हैं, एनिमल एक्टिविस्ट हैं, तो मुझे लगता है आप ये बेहतर सवाल का जवाब दे पाएंगी, क्योंकि घर का एटमॉस्फेयर होता है, पेट्स हमारे साथ रहते हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हमारे घर में मौजूद होती हैं जो कि पॉइजनस होती हैं, exactly. जैसे क्लीनिंग का मटेरियल हो सकता है, प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल. तो yes. अगर इंसिडेंटली अगर ऐसा एक अनटोवर्ड इंसिडेंट हो जाता है, सो हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन इंस्टेंटली. फर्स्टली तो प्रिकॉशंस जो हमारे को लेने चाहिए, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. हां, पहले प्रिकॉशंस की बात कर लेते हैं, फिर अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो करना क्या चाहिए. सो माय इंस्टिंक्ट, माय फर्स्ट इंस्टिंक्ट विल बी जस्ट रश माय पेट टू द वेट. आई मीन समथिंग पॉइजनस, आई कैन नॉट वेट कि वो सिम्टम दिखाए और इज ही ओके और नॉट. माय फर्स्ट इंस्टिंक्ट विल बी जस्ट रश हिम टू द वेट. और प्रिकॉशंस की अगर आप बात करेंगे तो, सो ऑब्वियसली अगर हम क्लीनिंग इक्विपमेंट्स की बात करते हैं तो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट वी कीपिंग इन द हाउस.
एंड इफ़ यू कीपिंग अ पेट फॉर अ लॉन्ग टाइम तो आपको बहुत एक आइडिया हो जाता है कि पेट फ्रेंडली चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं. पपीज़ है तो पपी सेफ कर सकते हैं, हाँ उसको पपी प्रूफ कर सकते हैं घर को. सो द लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नॉट सपोज टू कीप यू नो अराउंड द पपीज ऑल्सो. डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगी कि कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें पता ही होनी चाहिए, जैसे पल्स देखना पेट का, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अगर आप जब पेट को घर पे लेकर के आ रहे हैं अडॉप्ट कर रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए उनकी हेल्थ से रिलेटेड, so, और टाइम टू टाइम जो जो आपको करते रहना चाहिए. अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई जस्ट होप वी हैव एनफ टाइम फॉर दिस. जी जी जी. पहली चीज फिजिकल अपीयरेंस, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्चार्ज फ्रॉम द आईज. यू नो देयर इज अ हैप्पी लुक इन द आई, द पपी इज हैप्पी, वैगिंग हिज टेल, रनिंग अराउंड एवरीवेयर. देन द बेली ऑफ द पेट शुड बी क्लीन, व्हिच विल इंडिकेट द एनवायरनमेंट इन व्हिच द पेट हैज बीन केप्ट. You should always check the lip of the puppy. Lift the lip and see if the conjunctiva is pink. It should always be pink. The fur should always very feel nice. Smooth and good. These are the first visual signs that you will see. Then, of course, you can always check temperature. Rectal temperature is very easy to take. Lot of people are uncomfortable. I fail to understand why. It's a very, very simple procedure. Learn it from the day you adopt a pet. But and it'll always help. Agar aap ek do signs, agar hum thoughts chhodna chahein logon ke saath ki, ऐसा क्या देखे जो कि एकदम से कंसर्निंग उनको लगे कि जैसे झाग आ रहा है या कुछ हो रहा है, तो ऐसे दो एक दो पॉइंट्स जो आप मेंटेशन. फर्स्ट थिंग इज मेंटेशन, द पपी शुड बी स्टेबल. राइट, इफ द पपी इज नॉट स्टेबल ही इज गॉन एंड ग्रैब समथिंग रॉन्ग. राइट, सैलिवेशन इज एन इंडिकेशन. बच्चे खासतौर से इंसेक्ट्स उठा लेते हैं, खा लेते हैं. यस, ही इज इंजेस्टेड समथिंग, दैट्स द इंडिकेशन दैट ही स्टार्ट सैलिवेटिंग. ही स्टार्ट सडनली गेटिंग इनटू अ राइगर और अ सीजर. Right. Then he's eaten something really toxic. Right. So coming to what Savita was saying, if you ever have a incidence like this, and if you suspect that your pet has eaten something, right, you should induce vomit. Okay. You know, with concentrated salt water, or there's a weak solution, hydrogen peroxide in the house. Ideally, you should take him to the doctor. Right. Either he'll give you a lavage or something. Yeah, I should put it. The first thing is, yes. एक बहुत अच्छी बात, एक बहुत अच्छी बात पे जोर दिया है, बहुत बेसिक बात. अगर आपके घर में पेट हो तो इन चीज़ों की जानकारी आपको होना बहुत बहुत ज़रूरी है. फिलहाल दिस इज ऑल वी हैव फॉर यू टुडे इन दिस एपिसोड. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच सविता फॉर कमिंग टू आवर शो, एंड थैंक यू सो मच संजीव फॉर बीइंग सच अ गुड वंडरफुल होस्ट, को होस्ट फॉर मी. एंड अगले वीक आपसे फिर होगी मुलाकात. उससे पहले आपके जो भी पेट्स हैं उनके अच्छे वीडियोस, फनी पिक्चर्स हैं, आप हमें भेजिए, हम अपने शो में उन्हें ज़रूर दिखाएंगे. और कोई भी सजेशन या फीडबैक हमारे शो से रिलेटेड आपके पास हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं. हमारा मेल आईडी है bestfriendforeverpets@gmail.com. इस प्रथा को जारी रखते हुए हम अगली बार आपके पास एक और नया टॉपिक लेके आएंगे. एंड खास तौर से रंगों का मौसम आ रहा है जी, तो होली के समय में व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट यू कैन टेक, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए और क्या चीज़ें करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, इस बारे में हम चर्चा करेंगे आपके साथ अगले हफ्ते. टिल देन लिव लाइफ, लव पेट्स, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर. नेचुरल फॉरेस्ट ये हो गया, इसने फंक्शनल इकोसिस्टम हमने बना दिया, इसमें सारे ट्रॉफिक स्ट्रक्चर एड्रेस हो गए. तो हर लेवल के हर तरह के पक्षी, जैसे रैप्टर्स हैं फॉर एग्जांपल, शिकरा जो जिंदा लाइव बर्ड को पकड़ के खा जाता है वो टॉप कैनोपी पे ज़्यादा नज़र आता है. मिडिल स्टोरी पे दूसरे पक्षी नज़र आते हैं, ग्राउंड वेजिटेशन पे अलग पक्षी नज़र आते हैं, जैसे मैना ग्राउंड वेजिटेशन पे नज़र आ रहा है, वो ग्रे फ्रैंकलिन जिसको तीतर कहते हैं ग्राउंड वेजिटेशन पे नज़र आ रहा है. तो ऐसी तैयारी है इसकी, एक ऐसा जंगल बना है जो क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया हमने, और इसमें हर तरह के पक्षी और दूसरे जानवर का इंटरेक्शन.